हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप स्टेट 2023 पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 10 से 11 क्वेश्चन लगाएंगे और 10 से 11 ही चैप्टर कवर होंगे। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है आपका सरफेस केमिस्ट्री से है। यहां आपसे कुछ डाटा देकर पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग गिवन डाटा प्रिडिक्ट द फॉलोइंग गैसेज सो लिस्ट एडजॉर्प्शन लिस्ट ऑन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। अब देखिए कि एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे दिया हुआ है। आपने को क्या दिया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी देखिए, कोई भी गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखो ध्यान रखना, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको लिक्विफाई करना इजी है। लिक्विफाई करना इजी है, गैस को लिक्विफाई करना क्या है, इजी भाई। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस को लिक्विफाई इजिली किया जा सकता है और उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ऐसा टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर के बाद अगर कोई एक लिमिट है, मान लो किसी गैस एक्स के लिए, जैसे यहां H2 के लिए इन्होंने 33 दिया हुआ है, 33 केल्विन। अगर मेरा टेम्परेचर मान लो 35 हो गया, मैंने 35 केल्विन ले लिया, तो इस गैस को मैं किसी भी हाल में लिक्विफाई नहीं कर सकता। इवन मैं कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दूं इसके ऊपर, तो तुम क्या कहोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विफिकेशन इजी होगा, एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां क्या पूछा गया है, लीस्ट एडजॉर्प्शन पूछा गया है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा, वो गैस सबसे ज्यादा एडजॉर्ब। क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम, एडजॉर्प्शन भी सबसे कम। तो सबसे कम किसका है अपना, यहां आप कहोगे 33 किसका है, H2 के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, H2 लीस्ट एडजॉर्प्शन। क्या बात समझ में आ गई यहां तक की दोस्तों, दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, जिस गैस का ज्यादा होगा, यहां पूछ लिया जाता मैक्सिमम एडजॉर्प्शन किसका होगा, मैक्सिमम, तो आप क्या बोलते, जिसका 630 मतलब 630 किसका है, SO2 का है। तो SO2 क्या हो जाती, मैक्सिमम एडजॉर्ब गैस हो जाती इनमें से। और लिस्ट पूछा है तो लिस्ट कौन सी हो जाएगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एडजॉर्प्शन। ये क्या है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। यहां क्या बोलोगे, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब कई लोग ऐसे सोचेंगे, सर ऐसे क्वेश्चन क्या हमारे आते हैं, क्योंकि ये तो प्लस वन टू में नहीं है। आप 2022 का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, 2022 के अंदर माइकल मेंटन एंजाइम वाले से ही पूछा था, मैंने वीडियो करवा भी दी है, यहां आपको फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। मैंने लास्ट ईयर बैच के अंदर ये माइकल मेंटन जो एंजाइम कैटलिस्ट है, इसको आर मैक्स को लास्ट तक करवाया था। आपसे तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब डायरेक्ट आपसे तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूछी गई थी, जो 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था। आपको बैच के अंदर BHU तक के क्वेश्चन करवाए गए थे, ठीक है, मतलब इसमें जो ग्राफ वगैरह बनते वो सब करवाए हुए थे। यहां क्या क्वेश्चन है, तो इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दो बार रिपीट हो चुका है, 2019-18 में आया था और 2022 में फिर आया माइकल मेंटन से। यहां आपको क्या कहा गया कि इथेनॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड थ्रू द एक्शन ऑफ, पूरी स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं जानना अपने को। अपने को पता है कि माइकल मेंटन इक्वेशन ये होती है, रेट जो होता है माइकल मेंटन, ये पूरा मैंने करवा रखा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा नहीं करवाने वाला, क्योंकि सेम वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, वो क्वेश्चन करवाया है। तो एक बार प्लीज आप उसको विजिट कीजिएगा, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पहला ही लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो। यहां मैं थोड़ा सा आपको इनका मतलब बता देता हूं क्या है, ये KM क्या है, माइकल मेंटन कांस्टेंट है, S क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ऊपर सबस्ट्रेट है, इसका मतलब ये मेरे पास कोई एंजाइम की सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, साइट है, जहां ऊपर कोई मॉलिक्यूल आकर बैठता है, ये कोई सबस्ट्रेट है मान लो जो इसके ऊपर आके बैठेगा, और ये अपना एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम के अंदर कुछ डेफिनेट क्या होंगी, जगह होगी बैठने के लिए सब्सटेंस के लिए, जैसे टेंट के अंदर चेयर लगी हुई है कुछ ऐसा मान लो, तो ये टोटल चेयर है ना, इनको तो बोलते हैं ई नोड, टोटल चेयर को क्या बोलते हैं, ई नोड। और एस क्या है, जो आने वाले सबस्ट्रेट है, और कुछ आने के बाद मान लो ये चेयर है सारी ई, ये एंजाइम की क्या है, सारी चेयर है, जिनको ई से डिनोट कर रहे हैं। अब जब ऊपर से एस आएगा तो इनके साथ कहीं कहीं बैठ जाएगा भाई, जैसे जैसे मेहमान आएंगे चेयर पर बैठते रहेंगे, कुछ चेयर खाली है कुछ चेयर पर बैठे हुए हैं, तो कुछ चेयर तो खाली होगी कुछ बैठे होंगे, तो जो ई नोड टोटल है वो क्या हो जाएगा अपने पास, ई प्लस ई एस के इक्वल हो जाएगा। ऐसी बात समझ आती आगे तुम्हें, मतलब ये है कि यहां देखो कई जगह तो ई है और कई जगह ई एस है,
ES का मतलब है कि एंजाइम सबस्ट्रेट बन चुका है, एंजाइम सबस्ट्रेट बन चुका है। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, अगर आप वो वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने यहां तुम्हें इसका सिंबल बता दिया कि क्या मतलब है। ई नोड क्या है? ओवरऑल है, जो कि कॉन्स्टेंट है, एक एंजाइम के ऊपर फिक्स है, ठीक है, इतनी सरफेस है। ES क्या है? कितने बाइंड हुए मॉलिक्यूल और कितनी खाली बची हुई है। यहां आपको कहा गया है कि किस कंडीशन के अंदर जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक किस कंडीशन में फॉलो करेगा। तो इसको मैं साफ करके यहां तुम्हें बताता हूं। अगर इसको जीरो ऑर्डर बनाना है, मेरे को रेट को, रेट को जीरो ऑर्डर बनाना है कि रेट अपनी एस, अगर तुम ये देखो के एम प्लस एस है, अगर मैं के एम को बहुत ज्यादा ले लू, मान लो के एम को एस की कंसेंट्रेशन, मान लो ये मैं काफी बड़ी वैल्यू ले लेता हूं, ये बहुत छोटी सी वैल्यू ले लेता हूं, ऐसे मान लो एक 10 लाख से ऊपर ले लिया मैंने, मान लो 3 और 3 6 लाख, 10 लाख करोड़ भी ले लिया मान लो, और उसके अंदर मान लो तुम एक ऐड कर रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आपके पास 1 करोड़ रुपए है और किसी ने आपसे 1 रुपए मांग लिया तो आप दे दोगे? वही बात यहां है कि मैंने के एम को बहुत ज्यादा ले लिया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, नेग्लेक्ट हो गई, इसका कोई वजूद नहीं रहा, ऐसा हो सकता है? तो अगर तुम इसको ज्यादा मानोगे तो ये बचेगा भाई, इसका ये ज्यादा मानोगे तो मान लो इसको हटा सकते हैं हम, हटा दिया मान लो, तो तुम्हारी जो ऑर्डर है वो एस पे डिपेंड कर रही है, मतलब जीरो ऑर्डर तो नहीं हुई, जीरो ऑर्डर तो नहीं हुई। तो मैं ये कहूंगा कि मैं अगर एस को बहुत ज्यादा ले लू, सपोज करो एस को बहुत ज्यादा ले लू, मतलब जो सब्सटेंस है ऊपर से आ रहा है एडजॉर्ब होने के लिए, अगर मैं वो ज्यादा ले लेता हूं तो तुम कहोगे इसको के एम को नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैंने एस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैंने ज्यादा ले ली और के एम की वैल्यू क्या है, कम है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा के एम को। तो मैं मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या लिखूंगा, के टू ई नोड एस, ये ई नोड भी ब्रैकेट में रख लीजिएगा, और नीचे क्या होगा अपने पास, एस बचेगा क्योंकि के एम तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब मैं इससे एस से एस काट सकता हूं क्योंकि पहले तो प्लस में था तो काट नहीं सकता था, और ये तो तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, तो रेट क्या हो गया, के पहले से ही कॉन्स्टेंट है, के टू, ये के टू कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं ये सब मैंने तुम्हें उस वीडियो में बता रखा है। तो यहां तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, के टू ई नोड। अब ये रिएक्शन जो है वो क्या है, जीरो ऑर्डर है, तो किस कंडीशन में होगी, जब के एस जो कंसंट्रेशन है, सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, वो माइकल मेंटन कॉन्स्टेंट से बहुत ज्यादा हो जाए, तब क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसको नोट कर लो। ये है आपका काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स में भी एडवांस एंजाइम कैटालिसिस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। आप जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर तुमने ये देखा हुआ है, प्लस टू क्लास में सिर्फ एनसीईआरटी में स्प्लिटिंग बताई जाती है, टी टू जी ई जी। ऑक्टाहेड्रल के लिए तो ये होती है, और ये होती है टेट्राहेड्रल के लिए। ये जी किस लिए लगाते हैं, सिमिट्री के लिए, इसका मतलब होता है जी रेड, क्या होता है, जी फोर जी रेड। और ये टी है ना, ये बताता है ट्रिपलेट, मतलब तीन नीचे आ रहे हैं, टोटल पहले पांच होते हैं, या पांचों के पांचों क्या होते हैं, एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं। ये होता है एनर्जी का ग्राफ, ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी का ग्राफ। इस एनर्जी पे पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये पांचों ऑर्बिटल पहले तो क्या होते हैं, एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं, पर जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं, आप देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना मान लो, तो छह लिगेंड आके लगेंगे ना मेटल के साथ, छह लिगेंड आकर लग गए। अब ये छह लिगेंड जब अप्रोच करते हैं तो इनकी स्प्लिटिंग बढ़ती है, और टेट्राहेड्रल में क्या होंगे, टेट्राहेड्रल में चार होंगे, फोन साइलेंट कर लेता हूं, टेट्राहेड्रल में क्या होंगे, चार होंगे, टेट्राहेड्रल में तो चार ही होंगे ना, तो यहां जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी। अब देखो दो बातें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग जो मैंने चलो यहां लिख भी रखी है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी टेट्राहेड्रल से, क्यों, क्योंकि वहां जो लिगेंड है वो छह है, अप्रोच करने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगी डीएक्सवाई डीवाईजेड, इनको अप्रोच करने के लिए छह लिगेंड आ रहे हैं, तो उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू किसके, आप कहोगे टेट्राहेड्रल में। अब मैं तुम्हें कहूं कि इधर तो छह लिगेंड है और इधर चार लिगेंड है, इनका क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहोगे कि इस वैल्यू को इक्वल करना हो तो क्या बोलेंगे, तुम कहोगे सर 2/3 हो गया ये तो, भाई यही होगा ना, 6 को 2/3 करते हो तुम्हें और इधर 4 आएगा ना, तो मतलब ये हो गया कि इसके पास जो लीगेंट है वो ज्यादा है, यही बोल सकता हूं ना मैं, इसके पास 6 लीगेंट है ऑक्टाहेड्रल के पास और इसके पास 4 लीगेंट है जो कि क्या है 2/3 है, तुम ये बोल सकते हो डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डेल्टा ओ, तभी तो इक्वल होगा ना भाई, समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भाई देखो दोनों की स्प्लिटिंग क्या है, मैं कह रहा हूं ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम है, तो तुमने ये कहा कि सर ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंट है और इसके पास 4 लिगेंट है, तो मैंने कहा लिगेंट में बात करूं ना तो टेट्राहेड्रल के लिगेंट क्या होगा 2/3
ऑफ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल के कितने लिगेंड होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 को डिवाइड करोगे तो यही आएगा, 4 आ जाएगा ना, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं 2/3 ऑक्टाहेड्रल के लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल के लिगेंड। तो एक फैक्टर तो ये है जो स्प्लिटिंग को 2/3 से क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, किसकी? ऑक्टाहेड्रल की। दूसरा एक फैक्टर और क्या होता है, एक होता है जैसे ये वाली ऑर्बिटल्स है, अगर इनकी शेप देखते हैं ऑर्बिटल्स की, तो दो ऑर्बिटल्स ऐसी होती है जैसे डी जेड स्क्वायर, तो ये होती है मान लो, जो कि क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग है, जैसे ये जेड एक्सिस है तो इसके अलोंग है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होती है, तुम कहोगे अगर ये एक्स है और ये वाई है तो इसके लोब क्या होंगे, बिल्कुल इनके अलोंग होंगे। और ये वाली क्या होती है आपके, मान लो ये एक्स और वाई है तो इनके इन बिटवीन होती है 45 के एंगल पे, अगर ये एक्स है और ये वाई है, इन तीनों के लिए तो यही डायग्राम बनेगा। अब ध्यान से सुनना, टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंट डायरेक्ट ऑर्बिटल के साथ अप्रोच नहीं करता, कोई भी लिगेंट डायरेक्ट ऑर्बिटल के साथ अप्रोच नहीं करता। मतलब ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर वाली है, ये टेट्राहेड्रल में नहीं अप्रोच करते, इनको कोई लिगेंट अप्रोच नहीं करता। मतलब कोई यहां से लिगेंट आ रहा हो और इसको कोई अप्रोच नहीं करेगा, ये तीनों तो आएंगे काम में। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो दो एक्स्ट्रा लिगेंट आ रहे हैं वो इनके साथ अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग बढ़ रही है। तो यहां से क्या बनता है, 2/3 जो कि लेंथ होती है कंप्लीट, वो ये होती है √2/2L होता है, जो लिगेंट से दूरियां होती है, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 0.71। और ओवरऑल मैं थोड़ा सा इसका आइडिया लू तो ये होते हैं अप्रोक्सीमेट 2/3। तो 2/3 तो इससे हुआ, और 2/3 किससे था, दोनों से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4/9 के फैक्टर से ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल से। तुम्हें इतना याद नहीं रखना, ये बीएससी का काम होता है, बीएससी में ये पहली बार ऐसे पढ़ाया जाता है तुम्हें कि ये कैसे आया, मतलब है कैसे आया। तुम्हें तो इतना याद रखना है, इसमें पूरे को साफ करूं तो तुम्हें इतनी बात याद रखनी है दोस्तों कि मुझे ये बात पता है कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल से। तो कितना होगा टेट्राहेड्रल, क्या होगा 4/9 ऑफ डेल्टा हो। अब सीधी सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम ये देखो तो ये वाली वैल्यू कितनी है, अराउंड 2 समथिंग आएगी। इसका मतलब तो डेल्टा टी ज्यादा हो गया, ठीक है, डेल्टा टी ज्यादा हो गया, और ये ऑप्शन पूरे करने के लिए है। तो आप आंसर क्या करोगे, 4/9। आपको वैल्यू क्या याद रखनी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ये मैंने आपको समझा भी दिया कि 2/3 और 2/3 दो फैक्टर को मिलाकर ये 4/9 बनती है। क्लियर हो, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, और आप कंप्लीट बैच के लिए देख रहे हो तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको 200 क्वेश्चन दिए थे, जिन्होंने बैच लिया था उनको पता है, वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है उसी दिन जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन, कि ये 14 क्वेश्चन एज इट इज 200 क्वेश्चन में से रिपीट थे आपके, बिल्कुल ऑप्शन के साथ नए क्वेश्चन, ठीक है। इस बार उन क्वेश्चन को नंबर बढ़ा दिया जाएगा, आपका 450 या 500 के आसपास कर दिया जाएगा, जिस दिन अपडेट हो जाएंगे आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, तब तक आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ये क्वेश्चन आपका आ गया अपना रिडक्शन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इसको कंसीडर कर सकते हो या रिडॉक्स में कीजिए, आपकी मर्जी है। रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 3 मेटल का दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का। अब तीन ही चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है अपने पास, मैंने वैल्यू लिखी 0.5 जो कि सबसे ज्यादा बड़ी है, उसके पास -1.2 बड़ी है, और फिर माइनस में 3 सबसे छोटी है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वह उतना इजिली रिड्यूज होगा। खुद रिड्यूज होगा, उसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उतना ही आसानी से। रिड्यूजिंग पावर या रिड्यूजिंग एजेंट एक ही बात है। मैंने तुमको ये कहा कि कोई एजेंट होता है वो क्या करता है, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है तुमको। तुम्हारे पास मान लो कोई बीमा करने वाला एजेंट तुम्हारे घर पे आया, ये एजेंट है, ये तुम्हारे घर पे आया, बीमा किसका करेगा, जो इसका नाम है वो तुम्हारे लिए है, बीमा किसका करेगा, तुम्हारा करेगा। यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन किसका करेगा, दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करता है। खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन। जो नाम है वो दूसरे के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन दूसरे का करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां मैंने क्या कहा है, उतना ही इजिली क्या होगा, रिड्यूज होगा। तो अपने को बताना क्या है, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब
मुश्किल से हो, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो, जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो। भाई रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं जिसका रिडक्शन क्या हो, मुश्किल से हो, जिसका रिडक्शन है मुश्किल से हो, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर है ज्यादा या रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां तो अपने को रिडक्शन पोटेंशियल, मुझे तो पता है कि जेड वाले का क्या है, रिड्यूसिंग है। जेड वाला सबसे, यहां देखो ये वाला भी कौन सा अपने पास है, क्या दिया हुआ है, वाई वाला। वाई वाला जो है वो इजिली रिड्यूज होगा, सबसे इजिली क्या होगा, रिड्यूज होगा, रिड्यूज इजिली, सबसे ज्यादा इजिली कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर वाई वाला। उसके बाद मैंने कहा 1.2 वैल्यू है छोटे में, उसके बाद तुम कहोगे एक्स वाला, और उसके बाद तुम क्या कहोगे, जेड वाला। ये क्या है, इनका रिडक्शन किसका आसानी से हो रहा है, आसानी से रिडक्शन, आसानी से इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑर्डर किसका हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये किसका ऑर्डर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। खुद का क्या हो रहा है, देखो खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन खुद का हो रहा है तो एजेंट होंगे ऑक्सीडाइजिंग। ये ऑर्डर मुझे बताना है किसके लिए, रिड्यूसिंग पावर के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसका मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, जेड का सबसे ज्यादा, देन एक्स, और उसके बाद वाई। इतनी बात समझ में आई, तुम्हें इतनी बात याद रखनी है। या ये बोल दे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे बोल दो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे याद कर लो। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे कम, रिड्यूसिंग एजेंट उतना स्ट्रॉन्ग, ऐसे लिख लो, एक ही लाइन में खत्म कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कंसेप्ट सारे बता दिए तुमको। ये लिख लो, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम, रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे कम वैल्यू जिसकी है वो क्या हो जाएगा, आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आयुपेक नोमेनक्लेचर, तो यहां अपने को सिंपल दिखाई दे रहा है, एक कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है, आपको ग्रुप में सारे बता रहे हैं, उसमें बैच में सब कुछ करवा रखा है, किसको प्रेफरेंस देनी है, किसके लिए क्या यूज करना है नाम, अगर वो मान लो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए क्या नाम यूज करेंगे, अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो क्या नाम यूज करेंगे, या मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ये काम कर रहा है और कीटोन को अपन क्या करते हैं, बाद में प्रायोरिटी देते हैं, एसिड को पहले देते हैं। पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि अल्कोहल दिया हुआ है, क्योंकि अल्कोहल तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि एक हाइड्रोक्सी पेंटेन, हाइड्रोक्सी तो ग्रुप भी कहीं नहीं है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो चार नंबर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि इसको प्रेफरेंस देना है, 1, 2, 3, 4 और 5। चार नंबर पे क्या है, ओक्सो कीटोन ग्रुप के लिए पेंटेनोइक एसिड, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है, करवा रखे हैं ये वाले। अगला है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी आर गिवन बिलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी, ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोलोगे, ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। देखो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो 2, 4 और 6, 10, 10 और 5, 15, मतलब ये हो गया अपना फॉस्फोरस। यहां मेरे पास बी की बात करूं तो 10 और 7, 17, मान लो क्लोरीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। ए को मैं फॉस्फोरस मानता हूं तो तुम क्या पढ़ते हो, यहां तो PCl3 पढ़ते हो या PCl5 पढ़ते हो, दोनों चीजें पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हो ना, Ab3 आंसर हो जाएगा। बोलो यार जल्दी से फटाफट से, क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें क्या है, +3 और +5 मेन ऑक्सीडेशन, वैसे दिखाते तो बहुत है, नाइट्रोजन तो काफी दिखाता है, आपको पता है, ठीक है, काफी ऑक्साइड्स वगैरह काफी बनाता है नाइट्रोजन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो +3 और +5 में अगर मैं यहां बात करूं तो Ab3 इसका आंसर है, कर देंगे टिक। द सब्सटेंस एडिड टू द सीमेंट टू स्लो डाउन इट्स सेटिंग प्रोसेस, एस ब्लॉक से है तुम्हारी, एस ब्लॉक +1, ठीक है। क्या डालते हैं, जो सीमेंट है उसके अंदर हम जैसे पानी डालते हैं तो हाइड्रेशन की वजह से वो क्या होने लग जाती है, सेट होने लग जाती है, उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो उसको हम सेटिंग भाई जल्दी से स्लो ना हो उसके लिए हम क्या डालते हैं, उसके लिए हम जिप्सम डालते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर मैं यहां बात करूं, सीमेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। जोसेफ एस्पेडिन ने 1824 में इसको क्या किया था, तुम कहोगे इसको मतलब है इंट्रोड्यूस किया था, इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड। अब पोर्टलैंड रिजेंबल करती है नेचुरल लाइमस्टोन क्यूरल्ड इन द आइजले ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड के अंदर, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, कैसे ऑब्टेन की जा सकती है, रिच इन लाइमस्टोन, ठीक है, विद अदर मटेरियल सच एज क्ले कंटेन SiO2 ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब इनका परसेंटेज देख लो,
कैल्शियम ऑक्साइड कितना है 50 से 60%, सिलिका ऑक्साइड 20 से 25, एल्यूमिनियम 5 से 10 और मैग्नीज 3, आयरन 1 से 2, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 2%। तो मतलब आपको मेजर पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का 50 से 60% याद रखना, और उसके बाद सिलिका का कितना होता है 20 से 25, आधा कर दो बस डायरेक्ट 50 से 60, फिर 20 से 25 और 5 से 10 एल्यूमिनियम, बस इतना भी याद रखते हो तो तीन मेजर वाले याद रख लोगे तो भी आपका ऑप्शन निकल जाएगा क्वेश्चन आता है तो। सेटिंग ऑफ सीमेंट देखो, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर टेक प्लेस हार्ड मास, दिस इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, आइदर देयर रीअरेंजमेंट। इस पर्पज के लिए हम क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं, टू ओनली द स्लो डाउन द प्रोसेस, यही पूछा गया था क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए सॉलिड स्टेट से, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने तुम्हें एस्टेट के लिए जो एक क्लास करवाई सॉलिड की, आपने अगर प्लेलिस्ट विजिट की होगी तो पता होगा, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है, इसको देख लीजिएगा। मैंने याद करने की ट्रिक भी तुम्हें बताई थी उसी क्लास में। हम क्या याद करते हैं, क्यूट अवर मदर, क्यूट अवर मदर, ये सातों के सातों क्रिस्टल सिस्टम को आपको याद करवा देगा। क्यूट अवर मदर, सीयू का मतलब होगा क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, अवर का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल। यहां तक की बात समझ में आ गई, एच ई का मतलब हेक्सागोनल। उसके बाद मैंने तुमको क्या बोला था, इसको उसके बाद मैंने तुमको क्या बोला था, इसको ऐसे याद रखने का, यहां जीरो से स्टार्ट कर दो, जीरो कलर चेंज कर लेता हूं, जीरो 1 2 3 4 1 जीरो 1 2 2 और फिर 2, आप 0 1 2 यहां तक चलो, ये बीच वाला मिड में आ गया, देखो ऊपर कितने हैं 3 और नीचे भी कितने हैं 3, 0 1 2 सात सिस्टम टोटल है, 0 1 2 फिर बाद में बीच में 1 और फिर नीचे दोबारा स्टार्ट कर दो 0 1 2 और सीक्वेंस ऐसे लिख लोगे। जीरो का मतलब होता है कि इनकी जो साइड होती है एबीसी, उनके बीच में कोई भी कट नहीं आएगा, तो जिसके सामने जीरो है उसके जो साइड होंगी एबीसी उनके बीच में कोई भी कट नहीं होगा, सारे इक्वल होंगे। एक है तो एक कट लगा दो, दो है तो दो कट लगा दो, यहां भी दो है तो दो कट लगा दिए, यहां भी दो है दो कट लगा दिए, यहां एक है तो एक कट लगा दिया, यहां कोई कट नहीं लगाया। ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है, तीनों कट वाले दिए हुए हैं, तो तीनों कट वाले कहां कहां है यहां देख लो, तीनों कट वाले टेट्रागोनल में है क्या, नहीं सर एक ही है, ट्राइक्लिनिक में तीनों है, दोनों दो कट लगे हुए हैं सर, मतलब क्या है दो कट लगे हुए, तो ये हो सकता है। ट्राइगोनल में देखो, ट्राइगोनल किसका नाम होता है, रोम्बोहेड्रल का ही नाम ट्राइगोनल होता है, यहां देखो कोई भी कट नहीं है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता। मोनोक्लिनिक में दो कट लगे हुए हैं तो मोनोक्लिनिक भी हो सकता है। आपको क्या कहा गया है, अल्फा और गामा जो 90 एंगल है बीटा 90 का नहीं है, तो मोनोक्लिनिक तो आंसर इसका हो जाएगा, और पीछे वाले में भी यही क्वेश्चन है, क्या है, मोनोक्लिनिक आंसर आपका हो जाएगा। इसको याद रखना है दोस्तों आपको, क्यूट अवर मदर से सारों को सीक्वेंस में याद कर लेना, फिर 0 1 2 ऊपर वाले तीनों के एंगल इक्वल भी होते हैं और 90 भी होते हैं, तीनों एंगल इक्वल भी होते हैं 90 भी होते हैं। ट्राइक्लिनिक में ना तो साइड इक्वल होती ना एंगल इक्वल होते, अल्फा ए इज इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तो याद कर लोगे ऊपर वाले तीनों के क्यूट अवर तक तीनों इक्वल भी और 90 भी, मोनोक्लिनिक में दो 90 के और बीटा नॉट इक्वल टू 90, हेक्सागोनल में एक 120 का होता है तो बच गए वो 90 के, और इसके अंदर सारे के सारे इक्वल तो होते हैं बट 90 के नहीं होते रोम्बोहेड्रल में, यहां तक की बात याद रखोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि लेंथेनोइड, एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आ गया कि जो नेचर के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, रेडियो एक्टिव एक है आपको पता है, ले सिर पर नदी प्रेम की समाई प्रेम की, नदी समाई प्रेम की और गद तब दिल हुआ और तुम यबलू, और तुम्हें यबलू यबलू टी एम जब लू, यही होता है, लेकर सिर पर नदी प्रेम की समाई, प्रेम की नदी पीएम समाई और गद तब जिलवा और तुम जबलू। तो इसमें जो प्रोमीथियम होता है, ये प्रोमीथियम अपना क्या है, रेडियो एक्टिव होता है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव है नहीं होता। ले सिर पर नदी प्रेम की समाई और तुम गद दिल हुआ और तुम जबलू, याद करवाने की ट्रिक बताई रखी है। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, यहां से क्वेश्चन काफी बार एस्टेट के अंदर आता है। देखो यहां जो साइनाइड है, आयरन कितने में, +3 के अंदर है, यहां भी आयरन किसमें है, +3 में, यहां मैग्नीज किसमें है, +3 में, और यहां कोबाल्ट किसमें है, +3 में। पहला ऑप्शन देख रहा हूं, आयरन +3 का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर लिखता हूं
तो तुम्हें पता है कि क्या होती है 4s2 3d6 होती है। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, d5 सिस्टम बचेगा। d5 ये ऑक्टाहेड्रल है तो तीन नीचे और दो ऊपर, t2g और eg। पांच इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी है। साइनाइड क्या है, यहां स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा नीचे भरने पड़ेंगे मेरे को। तो अनपेड कितना हुआ, एक अनपेड। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। यहां फ्लोराइड जो है वो क्या है, वीक लीगेंड की तरह काम करेगा, वीक लीगेंड की तरह काम करेगा। तो पांच ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही रहेगी, प्लस थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहेगी, पर सेकंड वाले के लिए जब इलेक्ट्रॉन भरने जाऊंगा तो पांच के पांच पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड है नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड नहीं है तो गैप कम है, और गैप कम है तो जैसे ही मैं तीन यहां भरूंगा तो अगले कूद कर ऊपर चले जाएंगे। तो यहां पांच के पांच अनपेयर्ड है, और पांच के पांच अनपेयर्ड है तो यहां मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहां कोबाल्ट का देखेंगे तो कोबाल्ट के लिए तुम क्या कहोगे 4s2 और 3d7। दो तीन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा 3d6, और फ्लोराइड है तो 6 में भी तुम क्या कहोगे वीक लीगेंड है फ्लोराइड। तो अगर मैं यहां भी इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो सब में पहले 1 2 3 4 5 और यहां 6, तो यहां 4 बचेंगे तो इससे कम है। यहां मैग्नीज के अंदर क्या होता है 4s2 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा d4 बचेगा, और ये क्या है साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो चारों के चारों नीचे भरे जाएंगे, चारों के चारों नीचे भरे जाएंगे। तो ऐसे भर सकता हूं, यही वाला केस बन जाएगा, जैसे ये वाला, ये किसका बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 का, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन t2g के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है, एक बात और रखना, कोई भी लीगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं होता, डिपेंड करता है किस मेटल के साथ है और किस मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, किस मेटल के साथ है और मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। मेटल 3D सीरीज की है, 4D की है, 5D की है, इस पे भी डिपेंड करता है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह भी काम करता है, वीक लीगेंड की तरह भी काम करता है, डिपेंड करता है कि कब किसके साथ जुड़ा हुआ है। चलो अमोनिया को छोड़ो, और लो मैं बता देता हूं, हेलोजन्स फ्लोराइड वगैरह भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरह काम करते हैं हेवी मेटल्स के साथ, जब हम 4D 5D सीरीज में बात करते हैं, 5D में स्पेशली जब बात करते हैं। क्लियर है, तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, सब डिपेंड किस पे करता है, नेचर पे डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, बाय विच फैक्टर, गैसीय स्टेट का है आपका, बाय विच फैक्टर एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन द टेंपरेचर इज डबल्ड। अब तीन टाइप की गैसीय मॉलिक्यूल में तुम वेलोसिटी पढ़ते हो, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले देख लो, एवरेज RMS और मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज में क्या होता है 8RT/πm होता है, रूट मीन स्क्वायर वाले में क्या होता है 3RT/πm और मोस्ट प्रोबेबल वाले में 2RT/πm। तो कैसे याद रख लेंगे, एक तो राम याद रख लो, ये सबसे ज्यादा होती है, ये तो ये इससे याद रख लेना कि RAM रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा, फिर एवरेज वाली और फिर मोस्ट प्रोबेबल वाली। ठीक है, उसके बाद राम वाले में क्या कहोगे, तीन वाला डिजिट आता है उसके अंदर, बाद में आठ वाला और उसके बाद में 382 नंबर याद रख लेना। ठीक है, बाकी RT/πm तो सबके अंदर ही कॉमन होगा, RT/πm तो सबके ही अंदर फॉर्मूले में होगा, RT/πm ऊपर वाला एक डिजिट याद करना है, और जब भी एवरेज निकालोगे तो नीचे पाई से डिवाइड करना है, इतनी बात तो याद रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 8RT/πm है। ठीक है, ये थी मेरी स्टार्टिंग की नई, जो पहले की एवरेज, मतलब वी एवरेज, ये क्या है वी एवरेज। अब मैंने नए में क्या किया, मतलब ये तो सारा मैं कॉमन कॉन्स्टेंट पार्ट है मेरा, डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2t कर दिया, और अंडर द रूट 2 क्या होता है 1.4, अंडर द रूट क्या होता है 1.4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.4 से क्या कर जाएगी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कंप्लीट कोर्स के लिए अगर विजिट करते हो तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो क्वेश्चंस है वो जरूर लगा के जाएगा, जो भी बेच ले बाद में, मैं मेरे को याद रहे ना रहे बताना आपको कि वो क्वेश्चन एक बार उनके आंसर जरूर देख के जाओगे पेपर से पहले, पेपर से पहले। ठीक है, आपको कम से कम 20 क्वेश्चन एज इट इज मिलने वाले हैं इस बार भी, 20 से 25 क्वेश्चन 60 में से एज इट इज। ठीक है, लास्ट ईयर की वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पे लाइव मैंने उसी दिन की डाली हुई है, आप वो विजिट कर सकते हो। ठीक है, और ये नंबर है कोई आपको क्वेरी हो तो। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, बोलता है।